ठीक है, यानी काफ़ी वाइडर एरिया, तो क्या होता है कि इसकी थ्रू ना नज़र आता है हमें ना, यानी एक फैट है वो थोड़ा सा फैला हुआ है हमारे पास, ठीक है, स्टैचू हुआ है ना, तो थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होता है कि उसके थ्रू, यानी ना हम लोग देख सकते हैं ना, आर पार देख सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि इतना थोड़ा थोड़ी जगहों पर, यानी वो आर्केड बने हुए हैं ना, तो फैट जो है ना वो बहुत एक्यूमुलेटेड हुआ होता है, ठीक है, यानी फैट बहुत एक्यूमुलेटेड होता है, तो ये ओपेक होता है हमारे पास आइलियम में फैट जो होता है, ठीक है, और इसमें क्या होता है ट्रांसलूसेंट होता है हमारे पास, ठीक है, तो ये याद रखना, ठीक है। और इसके बाद क्या है कि हमने वो याद करना है कि ये आ कहाँ से रहे होते हैं ना, ठीक है, यानी इस इनकी मेजेंटरीज क्या क्या होती है जिजुनम इलियम की ना, तो जिजुनम इलियम की ना, जब ये यानी जिस तरह ये इस तरह है ना हमारे पास, ठीक है, दोबारा बना देता हूँ, ठीक है, इस तरह, तो ये पीछे जो है ना, यानी पीछे उसके साथ पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ अटैच होती है, ठीक है, पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल के साथ मेजेंट्री इसको अटैच करी होती है, जिस तरह हमने वो पढ़ा था कि ये यानी ये वर्टिकल सेक्शन है, तो इस तरह होगी, तो पीछे जो होता है वो मेजेंट्री के साथ इस तरह फैन शेप में जो होता है हमारे पास वो अटैच होती है, ठीक है। तो अब इन फैन शेप के थ्रू ये जो मेजेंट्री है उसमें क्या आ रही होती है, वेसल्स और आर्टरीज वगैरह आ रही होती है, वही जो मैंने बताया गया सुपीरियर मेजेंट्री जो है हमारे पास इसके मेजेंट्री के थ्रू जो होंगी ना इस पर आ जाएंगी। ये मेजेंट्री पीछे कहाँ से अटैच होती है, वर्टिब्रा से, और पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल जो भी होगी ना उसके साथ अटैच होगी हमारे पास, ठीक है। तो अब ये इस तरह पीछे पीछे जा रही है, ठीक है, मेजेंट्रीज, ठीक है। अब ये शुरू कहाँ से हो रही है हमारे पास, ठीक है, जो जुजनम की है वो जहरी सी बात है कहाँ से शुरू होगी, जहाँ से जुजनम शुरू होगी हमारे पास, ठीक है, तो जुजनम कहाँ से शुरू होती है, जहाँ से डुडिनम और जुजनम का वो आता है आपस में जो फ्लेक्चर आता है, ठीक है, तो जुजनल जंक्शन से शुरू होगी हमारे पास, ठीक है। अच्छा ये याद रखना, जुजनम और आइलियम के दरमियान आपस में कोई यानी ना आप अंदाजा नहीं कर सकते कहाँ से, यानी अगर इस तरह जुजनम आइलियम का वो पड़ा हुआ ना, तो नहीं अंदाजा कर सकते कि जुजनम कहाँ से शुरू हो रहा है और आइलियम कहाँ से, मतलब जुजनम कहाँ खत्म हो रहा है, आइलियम कहाँ से शुरू हो रहा है, यानी कोई ऐसा जिस इनका टर्मिनेशन पॉइंट नहीं है, बस इस तरह कंटिन्यूएशन में है, ठीक है, वो माइक्रोस्कोपिकली आप देख सकते हैं, फर्क माइक्रोस्कोपिकली आपको नहीं नजर आएगा ऐसा कुछ भी। तो मैं क्या बता रहा था,